हेलो गाइस फ्रेंड्स, इस समय जो पौधे ब्लूमिंग कर रहे हैं उसमें पॉट लाका हो गया, पार्सलेन हो गया और बहुत से ऐसे पौधे हैं जो इस समय फुल ब्लूमिंग कर रहे हैं, जैसे कि मोगरा हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया और एरेनियम प्लांट ही फुल ब्लूमिंग पर है। लेकिन आने वाले टाइम में और भी बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, वो होते हैं बल्ब वाले पौधे जो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। आज मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसे बल्ब वाले पौधे होते हैं जो आने वाले टाइम मई और जून या बरसात में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, तो आज उसकी लिस्ट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पौधा है हमारा रजनीगंधा का। इनके पौधे काफ़ी लंबे होते हैं और इनमें फूल गुच्छों में आते हैं। इनके फूल काफ़ी खुशबूदार होते हैं और ये सफ़ेद कलर के होते हैं। इसके पौधे में स्टिक जैसे निकलती है उसी में आसपास फूल जैसे निकलते रहते हैं, तो इन्हें भी आप इस सीज़न में लगा सकते हैं और पूरी बरसात भर फुल ब्लूमिंग पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पौधा है रेन लिली का। ये भी बरसात में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करता है और इसमें काफ़ी सारे कलर पाए जाते हैं, गुलाबी, सफ़ेद, पीला और भी बहुत सारे कलर्स में ये पाया जाता है, तो इन्हें भी आप इस समय लगा सकते हैं। बल्ब वाला पौधा है बॉल लिली का, इसे भी आप इस समय लगा सकते हैं। ये बॉल की तरह दिखता है इसलिए इसे बॉल लिली बोलते हैं। इसका फ्लावर्स हमेशा रेड कलर में ही आता है तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हमारा अगला पौधा है एशियाटिक लिली का। ये भी एक बल्ब वाला पौधा होता है और इसके फूलों का साइज काफ़ी बड़ा होता है। इनके फूलों में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और इनके फूल काफ़ी दिनों तक चलते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। हमारा अगला पौधा है स्पाइडर लिली का। ये स्पाइडर की तरह दिखता है इसलिए इसको स्पाइडर लिली बोलते हैं। इसका फूल रेड कलर का होता है। हमारा अगला पौधा है टुलिप का। ये भी एक बल्ब वाला पौधा होता है और इसके फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फूल सजावट के भी काम में आते हैं तो इन्हें आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। अगला पौधा है ग्लाडियस का। ये भी एक बल्ब वाला पौधा होता है। इनके फूल भी सजावट के ही काम में आते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। ज़्यादातर सारे कलर्स में पाया जाता है तो इन्हें भी आप घर में लगा सकते हैं। एक बार लाएंगे तो दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ली ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। इनके फ्लावर्स कोन की तरह दिखते हैं तो इन्हें भी आप बरसात के लिए लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है, इसमें एक साथ काफ़ी सारी कलियां आती हैं और काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं। हे चिंत लिली, इसे भी आप घर में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है और ये आपके घर की शोभा बढ़ा देगा। ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है और इसमें गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गए कुछ बल्ब वाले पौधे जो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं। मेरे पास भी ये अमरलीस का पौधा है एक, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे शिफ्ट करना है, इसके लिए कौन सा सॉइल मिक्सचर होना चाहिए और इसको शिफ्ट करने के बाद आपको कौन सी सावधानियाँ बरतनी है ताकि आपका पौधा बिल्कुल मरे ना। इसे रेड कलर का फ्लावर्स आता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। इसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, मेरे पास कुछ बल्ब हैं और देखिए एक सबसे बड़ा बल्ब है और आसपास छोटे छोटे से बल्ब लगे हुए हैं। जो बड़ा बल्ब है वो मदर बल्ब है और जो छोटे छोटे हैं वो उसके बेबी प्लांट्स हैं जो इनसे ही निकल आते हैं। पहले पौधों की खास बात यही होती है कि आप इन्हें एक बार लाते हैं, अगर एक बल्ब भी आप इसका ले आते हैं तो उनसे ही बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं। छोटे छोटे लगते हुए ही इनसे बल्ब निकलने लगते हैं, बाद में वो बहुत बड़े प्लांट बन जाते हैं, फिर उससे और भी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है आपके पौधों में। इसमें जो नीचे रूट्स होती हैं उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है कि अगर वो टूट भी जाती है तब भी आपका पौधा अच्छे से चल जाता है। इसका बल्ब नहीं टूटना चाहिए, बल्ब ही इस पर मेन होता है कि अगर बल्ब आपका सही है तो आपका पौधा फिर से ग्रो कर जाता है। सबसे पहले आप अपने बल्ब को पॉलिथीन बैग से निकाल लीजिए। अब आइए जानते हैं इसे कैसे शिफ्ट करना है। आपको मिट्टी तैयार करनी है और मिट्टी के लिए आपको एक हिस्सा मिट्टी लेना है, एक हिस्सा बालू का लेना है या सैंड का लेना है और एक कोई भी खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तीनों को मिलाकर आपको एक सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये बेस्ट सॉइल मिक्सचर होता है बल्ब वाले पौधों के लिए और उसी में आपको अपने बल्ब को शिफ्ट करना है। नीचे थोड़ा सा आपको उतनी मिट्टी हटा देनी है जितने बल्ब आते हैं। उसके बाद जब आप बल्ब अपने रख देंगे अपने पॉट में, उसके बाद आप साइड साइड से मिट्टी उसमें डालकर चारों तरफ से उन्हें कवर कर दीजिएगा। इनकी रूट्स बिल्कुल सही कर दीजिएगा ताकि उन्हें ग्रो होने में कोई परेशानी ना हो।
ये एक फुल सनलाइट वाला पौधा होता है दोस्तों। इसे जितने ज़्यादा धूप में रखेंगे उतने ही अच्छे इसे फ्लावरिंग होगी। इसे पानी की भी अच्छी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन पानी इसको तभी दें जब ऊपरी लेयर इसकी सूखी हो। अगर इसकी लेयर में थोड़ी बहुत नमी है तो पानी इसको ना दें। जब इसकी लेयर बिल्कुल सूख जाए तब इसको पानी दें, और गर्मियों में इनको रोज़ शाम को पानी देना ज़रूरी होता है। वाले पौधों में अगर आप ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं कभी कभार, तो उससे आपके बल्ब नहीं ख़राब होंगे। ये भी इसमें एक ख़ास बात होती है, ज़्यादातर पौधों में अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो आपके पौधे का ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप में ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है जल्दी। इसका बड़ा वाला बल्ब होता है उसमें ब्लूमिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसमें मई और अप्रैल से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इससे छोटे प्लांट होते हैं उसमें ब्लूमिंग जब वो बड़े हो जाते हैं तभी शुरू होती है। बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं सर्दियों में, गर्मियों में भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो फूलों के ब्लूमिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, अब शिफ्ट करने के बाद इसको आप बहुत अच्छे से वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद इसको सेट में रखें, 4-5 दिन इसको सेट में रखें, क्योंकि जब भी आप नया पौधा शिफ्ट करते हैं तो उसे सेट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी जगह पर रखें जहां 1-2 घंटे की अच्छी धूप आती हो, तो आप देखेंगे 4-5 दिनों के बाद ही बहुत अच्छे से पौधा आपका ग्रो होने लगता है। ये मैंने नया पौधा शिफ्ट किया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब देखिए 3-4 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये देखिए मैं छोटे से प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह जब भी आप नया पौधा शिफ्ट करें तो ये सावधानी ज़रूर बरतें, टाइम टाइम पर वाटरिंग करती रहें। जब भी लेयर सूख जाए तो इसमें वाटरिंग कर दें, तो आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं। बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, आप इसे गर्मियों में कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसमें गर्मियों में आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इसको ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो ब्लूमिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत जल्दी उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। बनाना पील और ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को आप अपने घर पर ही तैयार करके पौधों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो और वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।